उद्घोष सुन रहे हैं जय श्री राम हर हर महादेव का, और ये शंख की ध्वनि जो सुन रहे हैं ये खुशी का इजहार है अखिलेश के घर वालों का, अखिलेश के गांव वालों का। ये जो अखिलेश के जो कवन से बाहर आने की सूचना जैसे मिली है पूरा गांव एकदम खुशी से झूम उठा है, हर कोई खुश है। हम ये देखिए ये जो खुशियां हैं इनको बताएंगे, अपनी खुशियां व्यक्त किस तरह से करें इनका समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ जो है अखिलेश के चाचा जी विजय कुमार जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा रहा आज हमारे 17 दिन बाद अखिलेश वापस आया है। आज 17 दिन बाद हमारे गांव और हमारे परिवार के लिए बहुत सुखद क्षण है। हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह के पिताजी रमेश कुमार सिंह भी हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, बहुत ही इन्होंने बहुत जब भी हमारी इनसे बात हुई इन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत दिलेर है, वो पूरी बहुत मजबूत इंसान है, और यही मजबूती मुझे इनके में भी दिखी। अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसे कैसे आप अपने बेटे को कैसे विश करेंगे, उसको कैसे शाबाशी देंगे आप? भगवान से दुआ करूंगा कि वो कायदे से रहे और उसको सम्मान ही दूंगा, और क्या करूंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप इनके चेहरे पर जो खुशी है, आप इनके चेहरे पर जो खुशी है उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलूं, इन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं। हमारे साथ गांव के भी हैं, इनके पास इतनी खुशी है, कौतूहल से उमंग में ये हुआ कि इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, शब्द ही कम पड़ा, इतनी इनके पास खुशी भरी हुई है, खुशियों का माहौल हमारे घर परिवार में छाया हुआ है। हमारे साथ इनके बड़े पिताजी भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। आज ये खबर सुन करके कि आने वाले हैं बाहर, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी, उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 17 दिनों से लगातार इसी खुशी का इंतजार था और अंततः वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है, और सारा पूरा गांव जो है अखिलेश के परिवार के साथ पूरा गांव जो है इस समय झूम रहा है, खुशियां मना रहा है। ये जरूर है कि रात हो गई है, लेकिन रात में अभी पूजा पाठ भी चल रहा है। जैसे ही पूजा खत्म होगी, सुंदरकांड का पाठ खत्म होगा, वैसे ही मिठाइयां बांटी जाएंगी, और जिस तरह से भी खुशियां मनाने का तरीका है वो खुशियां मनाई जाएंगी। मिर्जापुर के घरवासपुर से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।